जिला में अमन शांति कायम रखने और क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला मंडी में मौजूद सभी थाना चौकी प्रभारी मौजूद रहे। इस बैठक में भविष्य में क्राइम को अंकुश लगाने को लेकर योजना तैयार की गई। साथ ही इस बैठक में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी मंथन किया गया। बैठक की पुष्टि एसपी मंडी पुनीत रघु ने की है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में शहर में जिला में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मंडी जिला की पुलिस की एक जो मासिक बैठक होती है उसका आज उस बैठक को आज यहाँ पर किया गया है, जिसमें मासिक जो अपराध है उसकी समीक्षा की गई है सभी थाने चौकियों की, जिसमें हमारे सभी थाना के प्रभारी जो हैं, चौकियों के प्रभारी हैं और ट्रैफिक के प्रभारी हैं, SIU प्रभारी, वो सब यहाँ पे प्रेजेंट थे, SOs प्रेजेंट थे। उनके साथ इस अपराध की समीक्षा की गई है कि किन किन शीर्षों में अपराध की वृद्धि हुई है और किन किन शीर्षों में अपराध पर कंट्रोल किया गया है, और जहाँ जहाँ पर ऐसा लगा है, जैसे नारकोटिक्स का हमारा एक हेड है जिसमें सभी थाना प्रभारियों को और सभी SOs को निर्देश भी दिए गए हैं कि उसमें थोड़ा काम करने की आवश्यकता है, उसमें थोड़ा और डिटेक्शन की आव्यकता है। उसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट में भी रोड एक्सीडेंट्स हमारे कम हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आवश्यकता है, जिसके लिए उनको बताया गया है। इस तरह के कुछ एक हेड्स हैं जिनके ऊपर उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, और पुलिस मुख्यालय द्वारा और माननीय न्यायालयों द्वारा जो भी दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं उनसे एक बार फिर से रिफ्रेश कराया गया है सभी अन्वेषण अधिकारियों को और थाना प्रभारियों को। आदर्श हिमाचल ब्यूरो रिपोर्ट।